नमस्कार, मैं संजना भारद्वाज आज बनाने जा रही हूँ ट्राई कलर चाट। ट्राई कलर चाट बनाने के लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए देखते हैं। ये चाट हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएं। तो ये हमने उबले हुए थोड़े से चने लिए हैं, काले चने हैं जो लाल काले होते हैं, तो इनको हमने थोड़ा सा उबाल लिया है इस तरह से। हमको एक सीटी लगानी है चने में। ये थोड़ी हमने मूंग दाल ली है साबुत, और जिसको हमने हल्का सा बॉईल कर लिया है। ये हमने ग्रीन चटनी ली है, ये टमाटो सॉस ली है, ये हमने पनीर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह बॉईल्ड आलू भी ले सकते हैं। ये शिमला मिर्च है, बारीक कटा हुआ टमाटर, हरा धनिया है, ये चाट मसाला, काला नमक, ये रेड चिली पाउडर, ये कम तीखी है, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ग्रीन कलर की चाट बनाने के लिए हम पहले दाल को डाल देते हैं, ये शिमला मिर्च, धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसमें से, थोड़ी सी हम हरी चटनी डाल देते हैं। हरी चटनी में हमने ज्यादा हरी मिर्च नहीं डाली, तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम पनीर में थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और काला नमक, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये भी हमारा मिक्स हो चुका है, अब इसको भी साइड रख देते हैं। अब हम रेड कलर की चाट तैयार करेंगे, तो इसके अंदर चने को डाल देंगे, टमाटो डाल देंगे, चिली डाल देंगे, चाट मसाला और इसमें से थोड़ा सा काला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अंदर मैं सॉस भी डाल देती हूँ। सॉस थोड़ा हमको ज्यादा डालना है, 1 टेबल स्पून के करीब डाला है, ताकि इसमें कलर अच्छा सा आ जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि बच्चों को सॉस पसंद होती है, वो आसानी से इस चाट को खाएंगे। तो ये भी हमारी तैयार हो गई है मिक्स होकर। ये हमने तीनों कलर की चाट तैयार कर ली है, अब हम इसको सर्व करते हैं। ये हमने 2 गिलास लिए हैं, तो मैं इनके अंदर सबसे पहले ग्रीन कलर की चाट को डालूंगी, एक लेयर बनाएंगी इसकी। एक हमने नींबू लिया है हरे कलर का, आप चाहें तो इसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन चटनी के अंदर नींबू डाल दिया था, और चाट मसाला भी थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए इसके अंदर नींबू नहीं डाला। तो मैं इस नींबू को थोड़ा सा काट के दिखाऊंगी आपको कैसे डेकोरेट करना है। इस तरह से हम काट लेंगे, तो नींबू को हम इस तरह से लगा देंगे ताकि बिल्कुल इंडियन फ्लैग की तरह लगेगा। अब हम पनीर वाली चाट को डालेंगे, हमको ये आराम से डालनी है ताकि आपस में कोई कलर मिक्स नहीं हो। व्हाइट कलर की लेयर लग चुकी है, तो अब हम रेड कलर डालेंगे, रेड कलर की चाट को डाल देते हैं। ट्राई कलर चाट बनकर हमारी तैयार है, आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।